बीच में हम सिखा देंगे। वोट हमारा, राज तुम्हारा, जब ये नहीं चलेगा। अच्छा। हाँ, अब वोट हमारा होगा, राज हमारा होगा। घर घर मोदी, हर हर मोदी, हमारे एमपी में नहीं होता। हाँ। वो होता है यूपी में। लोकप्रिय बीजेपी हमारे लिए नहीं है, मीडिया को होगी मगर हमारे लिए नहीं है। गरीबों के साथ हो रहा है अत्याचार, रोकना चाहिए। छोटे किसान जो हैं उनको लाभ मिलना चाहिए। उनका भाग जो है बड़े लोगों को दिया जाता है, बड़े किसानों को। ये हमारी मांग है। नमस्कार, मैं शिखा सिंह और आप देख रहे हैं अभी जनहित आवाज। अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। मेरे चारों ओर आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग यहाँ पे मौजूद हैं। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सारे यहाँ पे मौजूद हैं। आपको हम बता दें कि ये सारे लोग किसान यूनियन की तरफ से आए हैं और यहाँ पे केंद्र सरकार से इनकी क्या कुछ मांगे हैं, हम इन्हीं से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम सिंह यादव। कहाँ से आए? विदिशा जिला, मध्य प्रदेश। सारे लोग यहाँ पे मध्य प्रदेश से हैं? नहीं, यूपी के भी हैं, मध्य प्रदेश के भी हैं। अच्छा, तो क्या मांगे केंद्र सरकार से? भाई क्या है, 116 संगठन है किसानों के। हाँ। सभी संगठन जो है पार्टियों के हैं। हाँ। और बड़े किसानों की वो लड़ाई लड़ते हैं। हाँ। हम छोटा किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ते हैं। मजदूर के हक के लिए और छोटे किसान के हक के लिए हम आए हैं। जुटता नहीं है? नहीं, जुटता क्यों नहीं है भाई, पार्टियां बांटे हैं ना। बीजेपी का अलग किसान संगठन, कांग्रेस का अलग किसान संगठन। आप किसके हैं? मैं अराजनीतिक हूँ। अच्छा। हाँ, कोई पार्टी से नहीं। पार्टी से नहीं? जिसका कोई पार्टी नहीं होता उसका भी एक पार्टी होता है? नहीं नहीं, पार्टी नहीं होती, ये अराजनीतिक है, उसमें लिखा है अराजनीतिक। अराजनीतिक संगठन है हमारा। तो इतने सारे जो संगठन है उसमें आपकी मांगे पूरी नहीं हो पा रही है? नहीं, वो देखो हर संगठन जो है अपने अलग अलग तरीके से, अलग अलग नजरिए से देखता है और मांगता है। हमारा नजरिया अलग है। तो किससे मांगे हैं आपकी, क्या कुछ मांगे, एक बार बताइए हमारे दर्शकों को। भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे देश में, भ्रष्टाचार एक नंबर पर है। और भ्रष्टाचार किसके साथ होता है? गरीब के साथ। हमारे देश में बलात्कार, बच्चियों का अपहरण नंबर वन पे भारत देश है। और भारत देश के अलावा मध्य प्रदेश जो है एक नंबर पे है भारत में। मध्य प्रदेश एक नंबर पे है? एक नंबर पे है। अरे ये कैसे कह सकते हैं? हम कह सकते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री निवास के पास ही अड्डा चल रहा था। किस बात का? बच्चियों का शोषण का। हाँ। और जो एक बीजेपी का नेता भी उसमें अरेस्ट हुआ था, वो पकड़ाया। तो क्या है कि देखिए, जो भी बलात्कार होगा, जो भी अपहरण होगा बच्ची का, वो गरीब की का होगा। तो आपका मुद्दा बताइए ना। तो जे भी मुद्दा है हमारा, गरीब की बच्ची के ही साथ होता है अन्याय। बड़े आदमी की बच्ची के साथ नहीं हो सकता। कोई टाटा बिरला चाहते हैं बड़े आदमी की बच्चियों के साथ हो? नहीं, क्यों चाहें? जब बड़े आदमी की बच्चियों के साथ नहीं होता तो छोटे इनके क्यों होता है? नहीं होना चाहिए ना। कहीं ना कहीं बड़े आदमी कहाँ थे ये कह रहा? नहीं, बड़े आदमी के लड़के तो करते ही हैं, छोटे आदमी की हिम्मत ही नहीं है भाई। हमें मजदूरी करके हमारे घर चलाना ही मुश्किल है, हम फिजूल काम कैसे करेंगे भाई। वो तो क्या है, पैसे के घमंड में दारू पीना और ऐसा आराम करना और अपने। नहीं, आपने बीजेपी के बारे में कहा, बीजेपी एक तरह जो लोकप्रिय पार्टी है। नहीं नहीं, कौन ने कहा? तो देखिए मीडिया में जाके देखिए, चैनलों पे देखिए। मीडिया कह सकता है, हम नहीं कह सकते। लोकप्रिय बीजेपी हमारे लिए नहीं है, मीडिया को होगी मगर हमारे लिए नहीं है। लोकप्रिय उसको कह, बैठिए, लोकप्रिय उसे कहते हैं जो जनता के हित में काम करे, गरीबों का सुने, छोटे लोगों को लेके चले भाई। भाई क्या है, सबको एक सामान रखना चाहिए ना भाई। तुमने इधर कहते हो कि मेरी लाडली बहना, वो इधर लाडली बहना के साथ गलत काम हो रहा है, है? तो उससे क्या फायदा है आपके? अपने ये तो सरकार की गलतियां आप गिना रहे हैं। आपकी क्या क्या मांगे है पहले इस मुद्दे पे हम बाद में आएंगे, पहले आपकी जो हमारी मांग ये है कि गरीबों के साथ हो रहा है अत्याचार, रोकना चाहिए। अच्छा। छोटे किसान जो हैं उनको लाभ मिलना चाहिए। और उनकी, उनका भाग जो है बड़े लोगों को दिया जाता है, बड़े किसानों को। अच्छा। छोटे लोगों का, ठीक है जी, हमारी मांग है। तो इसके लिए क्या कुछ कहा है सरकार ने? आप
अब हम तो दे आए हैं, सरकार क्या कहेगी? सरकार तो कहती है देखेंगे, करेंगे, विचार करेंगे। 2024 तक रुक जाइए सारी चीजें। 24 में तो हम उनको सिखा देंगे। हाँ। और क्या, 24 में हम सिखा देंगे। आपने भाई वोट हमारा। हाँ। राज तुम्हारा। अब ये नहीं चलेगा। अच्छा। हाँ, अब वोट हमारा होगा, राज हमारा होगा। इतने दिनों से भी तो वोट आप न, अभी तक तो हम गुमराह में रहे। कर्नाटक में निपट गए हैं, अब की पे इतने निपट दिए। कर्नाटक में जैसे निपटा दिए वैसे यहाँ भी निपटा देंगे। इतने निपट दिए, जनता ही निपटाएगी। लेकिन बीजेपी के जो गृह मंत्री हैं, हमें चाहिए एक जैसा कि वो किसी को नहीं बख्शेगा, गलत काम होगा बड़े आदमी भी नहीं छोड़ेगा, करोड़ आदमी से एक जैसा बने ठीक है, एक राज हो चले। लेकिन आपने कहा बीजेपी ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, लेकिन बीजेपी जो है सबसे लोकप्रिय पार्टी है और प्रधानमंत्री सबसे लोकप्रिय नेता है। बिल्कुल है, लोकप्रिय है। किसके लिए है? अडानी के लिए है, महिलाओं के लिए है, गरीब के लिए है, अडानी के लिए है और उद्योगपतियों के लिए है। उद्योगपति महिलाओं के लिए होगा मगर गरीब महिलाओं के लिए नहीं। गरीब आपके लिए नहीं है मोदी जी अच्छे? मैं कुछ नहीं बोल रही। हर हर मोदी, घर घर मोदी नहीं गए? नहीं, यहाँ नहीं होता घर घर मोदी, हर हर मोदी हमारे एमपी में नहीं होता। हाँ। वो होता है यूपी में। गुस्सा है आप, नाराज है? नहीं नहीं, वो बोलती नहीं है। तो यहाँ पे महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इनसे, इन्होंने जिस तरीके से कहा है कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, लेकिन हम इनसे बात करेंगे कि गरीबों की बात, गरीबों हो रही है आपकी, आप ही बोल रही है हमारे मैन मुद्दों पर कोई बात नहीं। तो बात है, जनता भूखी मर रही है, सरकार हमको लूट रही है, उन मुद्दों पर कोई बात नहीं है, खान खान की बात है। आप समझिए, जो चीज जो सरकार की चीज हमारी है वो हमारा हक छीन के गरीबों को, पैसे वालों को खिला रही है सरकार। हम किस लिए आए हैं यहाँ? हम अपनी मांग है, हमारा हक हमको दो, हमारा पैसा पैसे वालों को मत दो, ये हमारा नारा है। आपका हक आपको मिल रहा है, 5 किलो राशन तो दे रही है। हमारा हक छीन के पैसे वालों को खिला रही है सरकार। 5 किलो राशन मिल रहा है? हाँ हाँ, राशन मिल रहा है। सबसे बड़ी चिंता है, अरे राशन मिल रहा है या नहीं? क्या राशन, राशन मिल रहा है क्या? राशन में क्या मिल रहा है? हमारा राशन पैसे वालों जा रहा है। हाँ। हम कमा रहे हैं और पैसे वालों खा रही है। 5 किलो तो हमें जरूरत है, गरीबों का पैसा गरीबों को मिला है। जिसका एसी गाड़ी चल रही है उसको भी गलत थी और हमारा भी गलत थी, ये कुछ कहे? हाँ हाँ, आप बहुत गुस्से में है। नहीं, हमें चाहिए सर, नहीं चाहिए। ना ना, आप गुस्से में लग रहे हैं। ना ना, बिल्कुल नहीं, हमारा माल हमको मिले। एसी और ककार वालों का हमारा राशन बंद बन गया। मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं। कह रहे हैं मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हम बोल नहीं, नो फेल, मोदी फेल, मोदी फेल है। हमको पेंशन मिलती थी, साल डेढ़ साल मिला, मेरे पेंशन सब बंद है और हमारी कोई कमाई नहीं है और हम लोग जो है पीटे जाते हैं, पुलिस वाले आते हैं, हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। अरे तो आप लोग तो रामराज से आए हैं? हाँ। रामराज से आए हैं? नहीं, हम उत्तर प्रदेश से नहीं आए। तो उत्तर प्रदेश में तो अच्छा रामराज चल रहा है? रामराज चल रहा है ना? नहीं, कहाँ चल रहा है? कहूँ कहूँ पैसे मिला नहीं किसी को, जब कौन चीज चली ना तो जो है वो तो बेचे हजार रुपए का नोट चली। तो देखिए ये जो है छतर, कहाँ से हैं आप? एमपी से ना? वहाँ तो बाबा बाबा जो है बागेश्वर वाले बाबा, चमत्कारी बाबा है, उनसे बात क्यों नहीं करते? नहीं, वो तो ठीक है, हनुमान जी की कृपा है उन पे, कहते हैं वो ही कि मेरे ऊपर हनुमान जी कृपा है। अब आप नहीं मानते हैं? हनुमान जी कृपा सब पे रहती है, सब पे हनुमान जी कृपा है, सब पे रहती है। चमत्कारी बाबा है ना? चमत्कारी तो है, बिल्कुल चमत्कार बोलिए करने मध्य प्रदेश में कुछ। हाँ, चमत्कार बताए ना, महिलाओं के कारनामे बताए। अच्छा, और क्या? देख लीजिए ये किस प्रकार से बागेश्वर वाले बाबा पे तंज कस रहे हैं कि महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार हो रहा है। हम तमाम महिलाओं से भी बात करेंगे। नहीं नहीं हो रहा हो। विदिशा जिले से? कहाँ से आई हैं? विदिशा जिले से, एमपी के। एमपी में तो बाबा है वहाँ? चमत्कारी बाबा नहीं है? कोई बाबा मावा नहीं है, एक बार रामपाल बाबा बना था सरकार ने, के मत भाने के पाँव पर हो ना मैयो के पाँव पर हो, आदमी के लाद दियो
काय कर रहे राज चल रहा है। नहीं बागेश्वर वाले बाबा तो चमत्कार है। वो तो कहे वो तो है रामपाल बाबा। नहीं बागेश्वर वाले बाबा बागेश्वर बाबा ठीक है ठीक है ठीक है बागेश्वर वाले बाबा ठीक है। हाँ बाबा से तो ठीक है तो नहीं कि ना कल उन्हीं दे रहे ना कुछ दे रहे मगर टूटा फूटा चार पांच धनी से टूटी बता बच्चे मरते रहे पड़ते आए और चार मर जाए। कानपुर से हम लोग आए हैं कानपुर से तो रामराज से आई है क्या दिक्कत है योगी के राज में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो नहीं है तो कल उन्हीं तो देना चाहिए ना घर न द्वार लाल वाला काम क्या फिर भी होगा मोदी होगा फिर भी होगा फिर भी होगा फिर भी होगा योगी जी तो अच्छे हैं फिर भी होगा। तो देख सकते हैं ये सारे लोग जो हैं यहाँ पे महिलाएं सुबह से आई हुई हैं और पुरुष भी हैं युवा हैं सब किसान हैं और अपनी अपनी लोगों की मांग है। कुछ लोग मध्य प्रदेश से हैं और कुछ लोग उत्तर प्रदेश से हैं। इन लोगों की बहुत 60 साल आगे हो गए 65 साल के पैसा नहीं मिल रहा है अभी एक रुपया नहीं मिला। कहाँ से एमपी से बाबा तो अपना चमत्कार कर रहे हैं। बाबा तो कर रहे हैं मानो हमरो तो मिले हमें भविष्य मजदूरी कर रहे हैं पैसा नहीं मिला 60 साल हो गए एक रुपया नहीं दे रहे। एक बार हाजिरी लगाने जाइए बाबा के दरबार में। हरदी तो हम लगाया है और गए थे लगाया है तो कष्ट निवारण नहीं हुआ है। अब जाएंगे हरदी लगावे अबे नहीं गए अबे गए नहीं है तो वहाँ पे तो अच्छा काम कर रही है सरकार कर तो रही है मनोज बीजेपी अच्छा काम कर रही है। 70 साल के हो गए तो अभी पैसा नहीं मिला टुकड़ा टुकड़िया हम क्या करेंगे अकेले एक मजबूर नहीं है जो है सरकार बताओ खाद इतनी महंगी जानवर ढीले हैं चार बीघा की उम्र बिल्कुल कुछ नहीं एक दाना नहीं है एक दाना नहीं न कॉलोनी है न घर न द्वार किसान तो इतना परेशान है कि उत्तर प्रदेश में किसान परेशान है और का वहाँ पे तो माफ कर दिया है किसानों का कर्ज। अरे का माफ कर दिया किसान का माफ हो गया है माफ नहीं हुआ कर्ज कतई नहीं माफ है तो लोग कहते हैं किसानों का कर्ज माफ कर दिया। अब बैंक वाले जो रोज तगादा कर रहे हैं दुआरे डंडा खटखटावा था झूठ बोल रहे हैं लोग। अरे नहीं झूठ बिल्कुल सही बता रहे हैं बिटिया सही सच बहुत बता रहे हैं नहीं माफ नहीं हुआ है ना 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 कर्ज नहीं माफ। अब कब तक रहेंगे जा रहे हैं आप लोग आप लोग का क्या करेंगे ऐसे में सरकार सुनेगी आएंगे और दो घंटे में चले जाएंगे तो सरकार सुनेगी। अच्छा 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 नहीं सरकार सुनेगी अच्छा अच्छा सुनेगी सुनी नहीं भाई मैं पूछ रही हूँ कहा बताऊँ आइए हम लोग देखते हैं। अब आप लोग जा रही हैं जा रही हैं आप लोग कहाँ से आई हैं सागर सागर कहाँ एमपी सागर एमपी से अब आप लोग जा रही हैं तो कैसे सुनेगी सरकार दो चार घंटे में ऐसे चली जाएंगी तो सुनेगी क्यों नहीं सुनेगी तो बीजेपी तो अच्छा काम कर रही है। हाँ अच्छा काम महिलाओं के लिए अच्छा काम अच्छा काम कर रही है फिर अच्छा करिए तो यहाँ क्यों आए हम लोग तो वो लोग वाले आए ना रैली में जबरदस्ती लेके नहीं नहीं अरे हम लोग अपनी मर्जी से आए हैं और हम लोगों को तीर्थों जाना है हरिद्वार जाना है। तो देख सकते हैं ये लोग साथ साथ यहाँ पे आए हैं और अब तीर्थ के लिए निकल रहे हैं। हालांकि ये लोग कुछ लोग उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश से आए हैं बीजेपी के काम से ये खुश नहीं है। वैसे तो जाहिर तौर से जो लोग यहाँ पे धरना देने के लिए आते हैं सरकार से अपनी अपनी मांग करते हैं लेकिन मध्य प्रदेश से कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए। आप लोग इस पूरी वीडियो में देखिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।